हेलो, थैंक यू गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिक 11 प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो ड्रीम 11 प्रीमियर लीग चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो तीसरा और चौथा मुकाबला आ जाए, दोस्तों दो मुकाबले हो चुके थे, उन दो मुकाबलों का क्या हाल रहा वो भी आपको बताऊंगा, और कैश बोनस है वो कैसे मिला वो भी बताऊंगा, और पॉइंट कैसे मिले वो भी बताऊंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब इसके लाइव वोटिंग होगी तो आशा करता हूँ कि मैं लाइव आऊँगा और आप सबको इसकी वोटिंग के बारे में भी जानकारी दे दूँगा, लाइव कितने वोट हुए क्या हुआ, और इन सभी की परफेक्ट जानकारी भी मिलेगी आपको लाइव टू लाइव। इसलिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल दोस्तों, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, हमारा नहीं है, ये आपका ही टेलीग्राम चैनल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ही लाइव अपडेट मिलेगा आपके फैंस के लिए। तो अभी तक 163 जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं हमारे, और इसका नाम है क्रिक 11 प्लस, और कोस्टक में आपको मिल रहा है ड्रीम 11 दोस्तों, क्योंकि इसकी जानकारी मिल रही है। दोस्तों, इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों अपन ने जो प्रडिक्शन किया है आज, देखिए दो टीमों का आज मैच है, मैंने यहाँ पे भी किया, तो 91% जो लोग हैं वो हैदराबाद के पक्ष में जा रहे हैं और राजस्थान के कम। तो समझ लीजिए इसका जो पोल होगा वो सबसे लास्ट वाला होगा, और वो भी हैदराबाद विनिंग में। अब समस्या है चेन्नई की 90% है या 90 से कम भी रह सकता है, तो इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको है जो प्रडिक्शन मिलता रहता है, कौन सी टीम जीती, कितने वोट हुए वो सभी, और केस बोनस वगैरह वगैरह, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन के अंदर दोस्तों, आशा है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, अच्छा लगे तो। चलिए आपको बता देते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, बैनर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए इससे आपको है जो जल्दी भी नहीं समझाना चाहता और परफेक्ट समझाना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको लोगो सबके अलग अलग मिलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे भी पोल शुरू है, यहाँ पे टेक पोल। दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने एक बार पोल देख के उसको सबमिट कर दिया है वो चेंज नहीं होगा दोस्तों, और आपके दो मैच चले जाएंगे, 32 में से दो पहले चले गए, दो ये भी चले जाएंगे। इससे मैं आप सभी को बता दूं, अभी आप इस पोल को सबमिट मत करना जब तक इसका टाइम पड़ा है दोस्तों। ये टाइम कब तक है, और टाइम भी शुरू हो चुका है, 2 घंटे पड़े, 3 घंटे, मतलब ये है जो 3 बजे आज पोल शुरू होने वाला है, तो 3 घंटे इसमें है और इसमें 6 घंटे, तो इसको तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, हैदराबाद वाला और राजस्थान वाले को आज कवर कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको कल का भी बता देता हूँ दोस्तों, कल दो मैच जो कंप्लीट हुए उसका भी बता देता हूँ। ये देखिए आपके सामने 50 पॉइंट मिले, ये दोनों मैच में मैंने विनिंग किया दोस्तों सबसे बड़ी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि बेंगलोर के सामने पंजाब कुछ भी नहीं, क्योंकि जो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली सब ने वोट दिया इनको, तो 21,000 वोटों से जीता, अपन ने 12,000 अबोव किया था, ठीक है, और मुंबई और चेन्नई में टक्कर थी तो अपन ने 5,000 किया था, तो अंडर हो गए, दोनों जीत गए। अब इसका बोर्ड बता देता हूँ मैं आपको कैसे है जो कंप्लीट है। हर हर महादेव अपनी टीम में 100 पॉइंट है, अभी तक सबके 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट में कितनी टीम है, 2,46,780 दोस्तों। अगर आप हैं जो 425 पॉइंट से ऊपर कर जाएंगे, वैसे तो आपको हर मैच आप जीतेंगे उसके 100 रुपये आपको कैश बोनस मिलेंगे ही, परंतु अगर आप 425 पॉइंट से ऊपर चले गए तो आपको 10,000 है वो विनिंग में दिया जाएगा, ना कि कैश बोनस में दिया जाएगा दोस्तों, ये क्लियर बता देता हूँ, 10,000 विनिंग में। अगर आप दोस्तों प्लीज़ सही प्रेडिक्शन दीजिए अपना, और 10,000 रुपये आप हैं जो लॉकडाउन के समय में भी अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। चलिए चलते हैं सीजन लीग की मैच सेंटर में, और अगर पोल की बात करें तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए बहुत ही बड़ा पोल आया है दोस्तों, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ी बात है इस पोल की दोस्तों, हैदराबाद क्योंकि काफ़ी लोग हैं, और राजस्थान वाले राजस्थान को 100% जिताने की वोट करेंगे, और हैदराबाद में भी करेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है हैदराबाद 12,000, अब हैदराबाद है तो 12,000 अंदर के जीतेगा, हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद, तो ये 4 है, राजस्थान को आप भूल ही जाइए, नहीं जीतेगा, छोड़ दीजिए राजस्थान को। अब हैदराबाद है 12,000 है दोस्तों, 12,000 मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं लग रहा है, 100% 12,000 से हैदराबाद जीतेगी, और 8 से इसमें भी नहीं है हैदराबाद, और 4 में भी नहीं रहेगी, इसमें भी नहीं रहेगी, हैदराबाद जीतेगी 12,000 वोटों से। तो आप यहाँ पे हैं तो क्लिक करके सबमिट कर देना, परंतु अभी मत करना, 3 घंटे पड़े हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे है जो इसका अपडेट जो भी आएगा वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपकी ही फैमिली है वो, उसे आप ज्वाइन कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि लोगों तक पहुँचे दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इतने लोग आ जाएंगे तो हम हार जाएंगे, नहीं दोस्तों ये सबके लिए है, वो नहीं है कि अपने टीम ज्वाइन कर ली है यार दूसरों को मेरी टीम नहीं बताऊँगा मैं, ये
ये बात इसमें कदा भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे अलग है, इसमें वोटिंग है, और आपने और उसने सेम किया तो आपको भी मिलेगा उसको भी मिलेगा, ऐसा नहीं आप दोनों का आधा आधा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, ताकि मैं जो फाइनल प्रेडिक्शन होगा 15 मिनट पहले आपको दे दूंगा, ताकि आप जाके वहाँ पर अपडेट कर दीजिए। उसके बाद जो मैच है वो ये बंद हो जाएगा, उसके बाद जो वोटिंग होगी, और उसके वोटिंग का भी जो महत्वपूर्ण है कि इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है वो भी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आशा है 12,000 अबो होगा इसका भी। और ठीक है, ये तो हो गया आपका कंप्लीट, अब चलते हैं वापस इसमें। इसमें अभी भी 6 घंटे हैं, तो इसको मैं बाद में भी टेलीग्राम पे दे दूंगा। पर तो दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ी रिस्क है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया। देखिए चेन्नई और दिल्ली की चीज़ है, तो देखिए 12,000 भी दिया, ये भी दिया, ये 4,000 और भी दिया है दोस्तों, 5,000 वाला नहीं दिया, 4,000 और 4,000 से लगाकर यहाँ तक दिया है। अब मुझे यार चेन्नई की जीत 100% लग रही है, परंतु 12,000 वोटों से नहीं लग रही है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के ऋषभ पंत के फैन हैं और श्रेयस अय्यर के भी है और शिखर धवन भी है उस टीम के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि 12,000 वोटों का फ़र्क रहेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें कितना फ़र्क रह सकता है। इसमें दोस्तों 8,000 से लगाकर 11,999 के बीच में रहेगा, क्योंकि 12,000 नहीं रहेगा चेन्नई और दिल्ली के बीच में, और 4,000 वाला भी नहीं रहेगा, जीतेगी चेन्नई दोस्तों, परंतु मुझे लगता है इसमें 12,000 काम नहीं गए। इसमें आपको है जो 8,000 to 11,999 है जो परफेक्ट बैठेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही, और इसकी जो भी लाइव अपडेट होगा वो आशा करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे भी लेके आऊँगा, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल एक आखिरी चांस है आपके पास, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अपना ग्रुप भी है दोस्तों, आपस में बातचीत भी कर सकते हैं आप फ्रेंड से, वो भी टेलीग्राम का ही ग्रुप है। तो आप जैसे ही अपना चैनल है जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही ऊपर आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा जो पिनेट किया हुआ होगा, तो वहाँ से आप जाके उस पर क्लिक करके उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, बल्कि वो ग्रुप है उससे आप बातचीत भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।